जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला से संबंधित ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कला से संबंधित होने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी? थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? तो ये M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ईसा मसीह पर किसने चित्र बनाया था इसमें? वो एफ एन सूजा ने, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इन्होंने बनाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? तो कौन बस गया था? रजा, S.H. रजा, सैयद हैदर रजा पेरिस में बस गए थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो बिंदु जो चित्र है S.H. रजा, सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। M.F. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया, जिससे किससे किए थे वो? वो स्वरूप श्रीवास्तव से। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो वो डेविड हॉकनी जो हैं उनसे प्रभावित थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? लेबर एट वर्क, तो ये मूर्ति किसने बनाई है? ये डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लेबर एट वर्क कहाँ पे है, मूर्ति कहाँ बनाई गई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में, जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 108। N.S. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो N.S. बेंद्रे जो हैं किस कला स्कूल से थे? ये N.S. बेंद्रे N.S. बेंद्रे जो हैं ये J.J. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे इस रूप में? तो गायतोंडे जो हैं वो एक पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार के रूप में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। M.F. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने किस लिए M.F. हुसैन प्रसिद्ध हैं? तो घोड़ा चित्रों के लिए M.F. हुसैन जाने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111। M.F. हुसैन मध्य प्रदेश के
और किस शहर से के हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है इंदौर से संबंधित है एम एफ हुसैन। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? बम्बई में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? तो ये बंगाल स्कूल से विकसित हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। कौन है? मुख जो है अभिव्यंजनात्मक कलाकार। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इनकी बहुत ही फेमस एक कृत है चीख, द स्क्रीम, बहुत ही फेमस है वो। क्वेश्चन नंबर 115, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? तो ये टेम्परा माध्यम में बनी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पे? तो व्यावसायिक कला, अप्लाइड आर्ट नहीं है वहाँ पे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो किस में दी जाती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? तो MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? मीनाक्षी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, असित कुमार हालदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे? तो किसके थे? लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के पहले प्राचार्य थे। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 120, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? तो वास पेंटिंग का जो प्रारंभ है वो शांति निकेतन से हुआ है। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो किस कलाकार को माना जाता है? MF हुसैन को, मकबूल फिदा हुसैन को माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे वे हैं क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। राइट आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से के ऊपर बहुत सारे चित्र बनाए हैं जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, तो किसने किया है? राम कुमार। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 124, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृत है? औरंगजेब का बुढ़ापा, तो ये किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो ये गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने रखी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, शकुंतला वियोग
किसकी कृत है? तो शकुंतला वियोग जो है ये राजा रवि वर्मा की कृत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृत है? गांधी जी की दांडी यात्रा जो है ये नंदलाल बोस की कृति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कौन थे वो? डीबी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे, ये केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो कौन थे वो? निकोलस रोरिक, ये रूस के चित्रकार हैं। निकोलस रोरिक जो है इन्होंने माउंटेन सीरीज बनाया है, बहुत ही ये पहाड़ों के चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं। तो कौन है? ए रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन इनका पूरा नाम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। तो सर्कस के जो चित्रकार हैं वो हैं दिनकर कौशिक। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। तो बैल के चित्र के लिए के एस कुलकर्णी को जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन है? तो वो है सतीश गुजराल। यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जो जन्म है वो हंगरी में हुआ था 1913 में। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो ये MF हुसैन द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश सिंह। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 137, MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो MF हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े रहे? तो ये किससे जुड़े थे? संगीत एवं ललित का कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े थे। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 139, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया, किसने किया था? नंदलाल बोस ने। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 140, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया, किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। हमने आपको बताया इनके चित्रों की जो बनाने की तकनीक थी वो पाश्चात्य शैली थी, लेकिन विषय जो थे वो भारतीय थे और पौराणिक कथाओं से संबंधित थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो है ये भोपाल में है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 142, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं,
एस रमन जो हैं एक कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है, कौन है? सतीश गुजराल, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो ये मुंबई में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो राय किशोरदास हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी राय किशोरदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो वास पेंटिंग की शुरुआत जो है अवनीनाथ ठाकुर ने की है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 147, भारत कला भवन किस शहर में है? तो भारत कला भवन जो है ये वाराणसी में है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 148, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID किस शहर में स्थित है? NID जो है ये अहमदाबाद में है, राइट आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात। क्वेश्चन नंबर 149, जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है ये मुंबई में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, सालारगंज संग्रहालय किस शहर में? तो सालारगंज संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता हूं।